आचार्य जी, कुछ ही दिनों में चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। चतुर्मास किस राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है और इस पर किन राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। हरि शयन एकादशी के बाद से ही चतुर्मास शुरू हो जाता है और चतुर्मास जो है वह चतुर्मास के अंदर ये जो चार महीना भगवान सोते हैं इसके अंदर जो है कई राशि, कई ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। तो जब कई ग्रह अपनी राशि बदलेंगे तो उसका सीधा प्रभाव राशियों पर ही पड़ेगा। तो शनि अभी वक्री चल रहे हैं और जब शनि वक्री के समय रहेंगे तो जिन पर ढैया या साढ़े साती है उसका बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। विशेष रूप के तीन राशि वाले पर विशेष कृपा होने जा रही है शनि का, कर्क, मेष और कुंभ। कुंभ राशि पर अभी विराजमान शनि जो कि वक्री जब हो जाएंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा और वक्री का प्रभाव जो है मेष और कर्क पर पड़ने जा रहा है। इसलिए ये तीन राशि वालों का चार महीना के अंदर भाग्य में बदलाव होने वाला है। विशेष रूप से आर्थिक लाभ होगा और मन अशांत जो रहता है वह अशांत में कमी आएगी, परेशानी आपका कम हो जाएगा और भाग दौड़ जो आपका ज़्यादा हो रहा है वह भाग दौड़ आपका कम होगा, ज़्यादा न करना पड़ेगा। और विशेष रूप से ये तीन राशि वाले के घर में शांति विराजमान होगी।